तो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे ना? तो गाइज, कल तो कोई ब्लॉग नहीं आया मेरा, क्योंकि कल मैं सारे दिन भर माइंडफुलनेस वाली प्रैक्टिसेस कर रहा था, तो बुक भी पढ़ रहा था, तो उसी में निकल गया टाइम। तो आज है जो, आज अपना प्लान बहुत अच्छा है भाई। आज अपन बाहर भी चलेंगे शाम को, क्योंकि ममता दी को ना, मतलब एक तो जिप्सी कैब पे लेके चलना है, क्योंकि ममता दी वहाँ जाएगी ना अजमेर, फिर तो उनको लास्ट टाइम घुमा देते हैं एक बार। तो पंढरपुरी भी उनको लेके चलना है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप किस जगह चाय पीते हो हमें भी पिलाओ, तो वहाँ पर भी लेके चलना है। तो उससे पहले है ना, थोड़ा काम है घर पे, तो ये इधर काम है थोड़ा सा, तो अपन काम वाम कर लेते हैं। आयो, मम्मी लग रही है अकेली, और अनु और मम्मी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत काम। तो चालू करते हैं अपना काम। ज्वार तो गाइस, पहले तो इधर ही बा दिया था अपन ने बाजरा, लेकिन इधर का रह गया था, तो इसको अब बा रहे हम। तो पहले क्या है, बीज डाल दिया, मिट्टी की खुदाई हो रही है। तो फिर क्या, बारिश बारिश के दिन चालू हो रहे हैं, तो क्या बारिश के पानी सूख जाएगा, और बारिश भी नहीं आएगी तो ये पड़ा है पाइप, इस पाइप से अपन पिला देंगे। और पसीना हो गया भाई बढ़िया वाला, अभी तो और चल रही है मेहनत। तो गाइस, खुदाई है जो कम्प्लीट हो चुकी है, और अब दिन के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि शाम को अपने को फ्री रहना है, शाम को बाहर चलेंगे अपन। तो गाइज, नहा लिए हैं, धो लिए हैं, और अब चल रहे हैं अपन ममता दी के घर पे, यानी मेरे ससुराल। वहाँ उनकी खींचनी है फ़ोटोज़ कुछ, तो अपन ने ले लिया है कैमरा, तो वहाँ चल के उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, क्योंकि फिर वो जाएंगे ना, तो उनके कुछ फ़ोटोज़, कुछ बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं सब लोगों की। वो बोल भी रहे थे, उनका कॉल आ रहा है, तो चलते हैं। और हाँ, ये ब्लैक टी शर्ट है ना, मेरे पास 5-6 पड़ी है, तो ऐसे मत सोचना एक कोई बार बार पहनता है, एक ही कंपनी की, एक साथ ही ले ली थी। कितनी ली थी? 6 ली थी। तो क्योंकि इसका जो फैब्रिक है ना, मतलब इतना सॉफ्ट है, बहुत मज़ा आता है पहनने का। और उसके पास मैं ना प्यूमा के पास गया था, तो प्यूमा के पास मैं ना केवल ब्लैक ही कलर था, और कोई कलर नहीं था इस फैब्रिक में, तो मैंने एक साथ ही 6 ले ली थी। तो भाई मैं ना, मतलब बदल बदल के पहनता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको ही पहना जाता हूँ। और ब्लैक टी शर्ट इसलिए क्योंकि ब्लैक टी शर्ट पहनने से बताऊँ क्या है, एक तो फेस पे ग्लो आता, मतलब फेस थोड़ा सा डार्क है अपना, तो जैसे कैमरे में अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो क्या है, थोड़ा उभर के आता है फेस, क्योंकि ब्लैक से एकदम से अलग हो रहा है ना यहाँ पर राती कलर, थोड़ा गोरा गोरा लगता है, नहीं ठीक है ना? हाँ हाँ, ससुराल आ चुके हैं भाई, गौलू रिशु। तो गाइज क्या है कि अब क्या है ना, कि मेरे को इंडोर फोटोग्राफी करनी है, तो गाइज पहले है ना गोलू और रिशु की पिक्स ले लेता हूँ। तो रिशु बोल रहा है कि ना लड़के जल्दी रेडी हो जाते हैं, तो ये दोनों जल्दी रेडी होके आ गए, और लड़कियाँ थोड़ी लेट रेडी होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे मेकअप्स और लिपस्टिक और क्या 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 चीजें होती हैं, उनको वही जाने। क्यों रिशु? उनको अपना चेहरा सुंदर करना होता है लड़कों की तरह। अच्छा, लड़कों का पहले सुंदर होता है? हाँ। तो गाइस, मुझे ये चीज मिली है, मतलब ये मेरी नकल करती है। क्या बोलते हैं गोलू इसको? यस, डांसिंग कैरेक्टर्स। तो गाइस, ससुराल में ये काम करने पड़ते हैं भाई, तो देखो मैं मैं इधर बैठा हूँ कैमरा लेके, और उधर देखो मम्मी जी, मम्मी तो बच नहीं, तो वो तो आ गए ब्लॉग में। तो गाइस, फोटो शूट जारी है। नानी आ गई? नहीं आई। तो गाइस, यहाँ का जो फोटोशूट प्रोग्राम है वो हो चुका है फिनिश, और अब पहले जूस पियेंगे। मतलब ससुराल वालों ने क्या है, पहले जूस नहीं पिलाया, पहले खिंचवाइए फोटो और फिर बाद में जूस पिलाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, तो हम तो कभी भी आ जाते हैं और कुछ भी करने लगे थे, तो पड़ोसी ये चीज ब्लॉग में अच्छी डाल दी इसने, ये वाले पड़ोसी नहीं मासा जी। तो रिशु, अपन शाम को चल रहे हैं, आपको पता है ना, पार्टी के लिए चल रहे हैं ना, ठीक है? अभी तो मैं चलता हूँ, फिर शाम को आऊंगा ना, ओके? तो गाइज, हम लोग बाहर जा रहे हैं कैफे में, लेकिन कैफे में जाने से पहले हम, मतलब पहले हमें लेना है ममता दी को, रिशु को, गोलू को, उन लोगों को लेना है साथ में, और नीव के लिए कपड़े भी लेने हैं। तो पहले हम नीव के लिए कपड़े लेंगे, और नीव तो ना बाहर जाने के नाम से खुश हो रहा है, ड्र ड्र कर रहे हैं, ड्र चले, ब्रश नहीं कर देना गलत टाइम पे, ड्र चले, नहीं चलना, ये तो हर चीज के लिए मना करता है। तो देखते हैं प्रियंका रेडी हुई नहीं हुई। चलो अंदर बैठो।
चलो 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 आ जाओ आ जाओ। तो न्यू बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। और आप भी खुश हो रहे हो ममता दी से मिलने के लिए। चलो 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 चलो। अरे वाह, ये सब लोग मिल चुके हैं। गोदी में हो। देखो सिया, आ सिया कहाँ जा रही है, सिया कहाँ जा रही है। ये बताओ क्या बोल रहा है, इसके गाल के टच मत करो। वो गोलू भी आ गए। गोलू क्या, तो गाइज है ना, ये लोग तो रेडी हो रहे हैं। पहले ममता दी, मैं और प्रियंका। न्यू के लिए कुछ कपड़े ले आते हैं, क्योंकि इसके लिए कपड़े भी खरीदने थे ना। ले वाला चाहिए। हाँ आ जाओ आ जाओ। तो गाइज सारी गैंग आ चुकी है, अब सारी गैंग है ना गैंग में। जाटों के जाट, हमारे रिसु भाई और हमारे गोलू भाई और इधर इधर न्यू भाई। हमारे पास आएगा, न्यू भाई को दे दो। न्यू भाई को दो, न्यू को नहीं बेटा। अरे न्यू के लिए लड़ाई चल रही है। तो गाइज हमारा जो पंडरपुरी जाना था ना, वो तो हो चुका है। अपन आके हो गया कैंसिल वो एक। चलो नहीं हुआ तो पहले हम जिप्सी के पे चल रहे हैं ना, फिर पंडरपुर। चलो ठीक है, ये फास्ट फूड हो गए। आउटडोर बैठोगे क्या, ऊपर चलोगे? चलो छत पे चल लो, कैमरा भी ले लिया, अगर टाइम मिला तो फोटो शूट भी कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी गैंग यहाँ सेटल हो चुकी है और यहाँ पर कब्जा कर लिया है हमारी गैंग ने, खतरनाक वाला। मोड कौन सा है? दूध रोड है ये। चलो ना, चलो 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 चलो। तो गाइस पेट पूजा हो गई है तगड़ी वाली और अब चलते हैं जूस पीने भाई, टकाटक। तो गाइस जब हमारा स्कूल टाइम था ना, तो हम यहाँ पर जूस पीने आते थे, तो अब पुरानी यादें ताजा हो गई है वापिस। ये हमारे सामने स्कूल थी इधर। तो गाइज हमारी पार्टी हो चुकी है खत्म, तो अब चलते हैं घर पे ना। कैसा लगा आपको पार्टी में ना? अच्छा। ममता जी कैसा लगा? कैसा लगा? मस्त। बढ़िया। रिशु पार्टी कैसी लगी? एकदम जबरदस्त। जबरदस्त। गोलू पार्टी कैसी लगी? मस्त। और कौन रह गया? टकाटक। चलो ठीक है गोलू भाई, है ना, और फिर मिलेंगे ना अब की बार पंडरपुर में। ठीक है बाय बाय। जाओ 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 जाओ। मम्मी जाओ। न्यू चल रहा है क्या या नहीं चल रहा? पापा को भेज दो। पापा न्यू चलेगा, चलेगा साथ में, रिस्पॉन्स ही नहीं। तो गाइस हम आ चुके हैं अब घर, और जतन अंकल हैं जो बादाम शेक लेके आए थे आज, तो सबको सर्व कर देते हैं। अब हम जूस पी के सो रहे हैं, और आपको अच्छा लगा ना व्लॉग तो आप सब्सक्राइब जरूर करना भाई प्लीज।